नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संसद में निर्मला सीतारमण के बजट की पोल खोलेंगे राहुल गांधी, ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता के सुरेश। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने केंद्र सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। के सुरेश ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में क्या कहने जा रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वह निश्चित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की पोल खोलेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे केंद्रीय बजट 2024 पर बोल सकते हैं। के सुरेश ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि राहुल लोकसभा में क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन वो निर्मला सीतारमण की बजट पोल खोलेंगे क्योंकि इसमें मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है और उन्होंने केवल बिहार और आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया है। के सुरेश ने आगे कहा कि लोकसभा सत्र के बारे में कांग्रेस ने कोई रणनीति नहीं बनाई है, लेकिन वो इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ इसको लेकर चर्चा करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसदों का मानना है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल को सदन को संबोधित करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि वे संसद के विशेष सत्र के दौरान पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए उनका मानना है कि हर बार उनके बोलने के बजाय दूसरों को भी बारी बारी से मौका दिया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार पार्टी सांसद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल के संबोधन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्हें बोलना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भारत के संघीय ढांचे की गरिमा पर हमला है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि ये बजट भारत के संघीय ढांचे की गरिमा पर हमला है। सत्ता बचाने के लालच में देश के अन्य राज्यों की उपेक्षा की गई है और उनके साथ भेदभाव किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।